मैं हूं बुशरा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। कनाडा और चीन के दरमियान सिफारती कशीदगी, सिफारतकारों की मुल्क बदरी का ऐलान। कनाडा ने चीनी सिफारतकार को मुल्क बदर कर दिया, चीन का रद्द अमल भी आ गया। चीन का कहना है कि शंघाई में तैनात कैनेडियन सिफारतकार को मुल्क बदर कर देंगे। कनाडा अपने करीबी इत्तेहादियों के साथ जदीद फौजी टेक्नोलॉजी के इश्तराक का ख्वाहिशमंद। कैनेडियन वजीर दिफा का कहना है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दीगर टेक्नोलॉजीज में ताबुन को मजीद बढ़ाने में दिलचस्पी रखते हैं। इत्तेहादियों के साथ सहूलत और ताबुन करने के तरीके तलाश करते रहते हैं। कैनेडियन सूबे ओंटारियो में सेहत से मुतालिक इस्लाहात का बिल मंजूर। निजी क्लिनिक्स में तवील इंतजार के दौरानिए को कम किया जाएगा। नए बिल पर ओपोजिशन जमातों और सेहत की देखभाल करने वाले कारकुनों की तरफ से तनकीद। रूस का यूक्रेन पर 15 क्रूज मिसाइलों से हमला, दुश्मन को शिकस्त दे दी। यूक्रेन के अहम शहर पर कब्जा कर लिया, रूस का ऐलान। यूरोपियन कमीशन की सदर यूरोप डे पर यूक्रेन पहुंच गईं। शाम की अरब लीग में दोबारा शमूलियत, अमेरिका ने मुखालफत कर दी। अमेरिका का कहना है कि बशार अल असद हुकूमत के साथ अपने ताल्लुकात कभी मामूल पर नहीं लाएंगे। शाम के खिलाफ अमेरिका की पाबंदियां नाफिज रहेंगी। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। लॉन्ड्री इज नो लॉन्गर अ हैसल। Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. कनाडा की जानिब से चीनी सिफारतकार को मुल्क बदर करने के बाद अब चीन ने जवाबी इकदाम में शंघाई में तैनात कैनेडियन सिफारतकार को मुल्क बदर करने का ऐलान कर दिया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा की जानिब से चीनी सिफारतकार को मुल्क बदर करने के बाद अब चीन ने जवाबी इकदाम में शंघाई में तैनात कैनेडियन सिफारतकार को मुल्क बदर करने का ऐलान कर दिया। इस ताज़ा तरीन इकदाम से चीन और कनाडा के पहले से ही कशीदा ताल्लुकात में मजीद तलखी आ गई है। कनाडा में चीनी सिफारतकार ज़ाओ वी को मुबैना तौर पर अंदरूनी मामलात में मदाखलत करने के इल्ज़ाम में मुल्क बदर कर दिया है। कैनेडियन वजीर खारजा मेलानिया जूली ने कहा कि हम वाज़े कर चुके हैं कि हम अपने अंदरूनी मामलात में किसी भी किस्म की गैर मुल्की मदाखलत को बर्दाश्त नहीं करेंगे। कनाडा में सिफारतकारों को मुतनब्बा किया गया है कि अगर वो इस किस्म के रवैये में मुलव्वस हुए तो उन्हें घर भेज दिया जाएगा। वजीर खारजा ने मजीद कहा कि चीनी सिफारतकार ज़ाओ वी को बेदखल करने का फैसला तमाम अवामिल पर गौर करने के बाद किया गया है। खबर एजेंसी के मुताबिक चीनी वजारत खारजा ने जारी बयान में कहा कि शंघाई में तैनात कैनेडियन सिफारतकार को मुल्क बदर कर देंगे। कैनेडियन सिफारतकार की मुल्क बदरी कैनेडा के इकदाम के जवाब में है। वजारत खारजा के मुताबिक शंघाई में तैनात कैनेडियन सिफारतकार को 13 मई तक चीन छोड़ना होगा। बीजिंग की वजारत खारजा ने ऑनलाइन शाया होने वाले एक अंग्रेजी बयान में कैनेडा के सिफारतकार जेनिफर लालोंडे को नापसंदीदा शख्सियत करार देकर कहा कि चीन मजीद रद्द अमल का हक महफूज रखता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीनी सिफारतकार कंजर्वेटिव रुकन पार्लियामेंट माइकल चोंग पर तनकीद करने और हांगकांग में उनके अहल खाना को धमकियां देने का इल्ज़ाम था, जिस पर कनाडा की वजीर खारजा मिलानी जूली ने नाकाबिल कबूल शख्सियत करार दिया था। बयान में कहा गया कि चीन कनाडा से चीनी सिफारतकार की मुल्क बदरी की सख्ती से मुज़म्मत और मुखालफत करता है और कनाडा से शदीद एहतजाज करता है।
कैनेडियन वजीर दिफा अनीता आनंद का कहना है कि कैनेडा इत्तेहादियों के साथ जदीद फौजी टेक्नोलॉजी का इश्तराक करना चाहता है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कैनेडियन वजीर दिफा अनीता आनंद का कहना है कि वजीर दिफा का कहना है कि कैनेडा इत्तेहादियों के साथ जदीद फौजी टेक्नोलॉजी का इश्तराक करना चाहता है। अनीता आनंद का कहना था कि कैनेडा अपने करीबी इत्तेहादियों के साथ दिफाई गठजोड़ के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग और दीगर जदीद टेक्नोलॉजीज पर तआवुन को आगे बढ़ाने में इंतहाई दिलचस्पी रखता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अनीता आनंद बराह रास्त ये नहीं बताएंगी कि आया कैनेडा आकोस के नाम से जाने वाले मुहिदे में शामिल होने के लिए बाज़ाब्ता बोली लगा रहा है, जैसा कि नामालूम ज़राए के हवाले से मकामी अखबार में रिपोर्ट किया गया है। आकोस का ऐलान सितंबर 2021 में एक मुहिदे के तौर पर किया गया था, जिसके तहत इंडो पैसिफिक खित्ते में चीन के असर रसूख के बारे में बढ़ते हुए खदशात के जवाब में अमरीका और बरतानिया ऑस्ट्रेलिया को जौहरी ताकत से चलने वाली आबदोजों का बेड़ा तैयार करने में मदद करेंगे। तीनों ममालिक ने साइबर सलाहियतों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजीज और ज़ेरे समंदर सलाहियतों पर तवज्जो मरकूज करते हुए मुश्तरका सलाहियतों और बाहमी तआवुन को बढ़ाने पर भी इत्तेफाक किया है। कैनेडियन ज्वाइंट ऑपरेशंस कमांड के कमांडर वाइस एडमिरल बॉब आचरलोनी ने जनवरी में एक इंटरव्यू में कहा था कि इस मुहिदे से कनाडा का अखराज एक अहम तशवीश है। इसके जवाब में वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि कनाडा जौहरी तवानाई से चलने वाली आबदोजों में दिलचस्पी नहीं रखता। कैनेडियन वजीर दिफा का कहना था कि हमारे पास इस इलाके में मजबूत सलाहियतें हैं और हम हमेशा अपने करीबी इत्तेहादियों के साथ सहूलत और तआवुन करने के तरीके तलाश करते रहते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि फाइव आईज इत्तेहादियों के साथ काम मुतादिद शोबों में जारी है। हम AI और दीगर इख्तराई कोशिशों में तआवुन को मजीद बढ़ाने में दिलचस्पी रखते हैं। कैनेडियन सूबा ओंटारियो ने सेहत से मुतालिक इस्लाहात का बिल मंजूर किया है, जो मजीद निजी क्लिनिक्स को निगहदाश्त के लिए तवील इंतजार की फहरिस्तों को कम करने में मदद देगा। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कैनेडियन सूबे ओंटारियो ने सेहत से मुतालिक इस्लाहात का बिल मंजूर किया है, जो मजीद निजी क्लिनिक्स को निगहदाश्त के लिए तवील इंतजार की फहरिस्तों को कम करने की कोशिश में अवामी तौर पर फंड से चलने वाली बास सर्जरीज और तरीक़ेकार की पेशकश करने की इजाज़त देगा। मोतिया की सर्जरी और तशखीसी इमेजिंग और टेस्टिंग को वसत दी जाएगी, जबकि हुकूमत कूल्हे और घुटने की तब्दीली की सर्जरीज के लिए मुकम्मल तौर पर नया निज़ाम बनाएगी। इस वक्त सूबे भर में तकरीबन 900 प्राइवेट क्लिनिक काम कर रहे हैं, जिनमें से ज़्यादातर तशखीसी इमेजिंग और टेस्टिंग के लिए हैं। ये इकदाम इंतज़ार के औकात को कम करने और सर्जरीज के एक बड़े बैकलॉग को कम करने के हुकूमती मंसूबे का हिस्सा है, जो 2 लाख से ज़्यादा तरीक़ाकार पर मुश्तमिल है। अस्पतालों ने कहा है कि वो प्राइवेट क्लिनिक्स में अमले को खोने पर फिक्रमंद है। नए बिल पर अपोजिशन जमातों और सेहत की देखभाल करने वाले कारकुनों की तरफ से तनकीद की गई है। ओंटारियो नर्सेस एसोसिएशन का कहना है कि सूबे को नया निज़ाम कायम करने के बजाय अस्पतालों में मजीद सर्जरी करने के लिए सरमायाकारी करनी चाहिए। ओंटारियो मेडिकल एसोसिएशन ने सर्जिकल बैकलॉग से निमटने के लिए इसी तरह का निज़ाम तजवीज़ किया था, लेकिन वो चाहती थी कि निजी क्लिनिक गैर मुनाफा बख्श के तौर पर काम करें। न्यू डेमोक्रेट सेहत के नकाद फ्रांस गैलेनास का कहना है कि कानून साजी मरीजों को फरोख्त होने से बचाने में नाकाम है। रूस के लिए लड़ने वाले वैगनर फौजी ग्रुप के सरबराह का कहना है कि बाखमुत के इलाकों में सरकारी इमारतों और तंसीबात पर यूक्रेनी झंडे उतारकर रूसी परचम लहरा दिए गए हैं और फोर्सेस का उन इलाकों पर अब मुकम्मल कंट्रोल है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। रूस ने यूक्रेन के अहम शहर पर कब्जे का दावा कर दिया। रूस के लिए लड़ने वाले वैगनर फौजी ग्रुप के सरबराह यूगेनी प्रिगोजिन ने बाखमुत शहर पर मुकम्मल कब्जे का ऐलान करते हुए कहा है कि बिल आखिर यूक्रेन को शिकस्त से दो चार कर दिया गया है। उनका कहना था कि बाखमुत के इलाकों में सरकारी इमारतों और तंसीबात पर यूक्रेनी झंडे उतारकर रूसी परचम लहरा दिए गए हैं और फोर्सेस का उन इलाकों पर अब मुकम्मल कंट्रोल है। दूसरी जानिब यूक्रेनी हुकाम ने दावा किया है कि यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव पर रूस ने 15 क्रूज मिसाइलों से हमला किया है। यूक्रेनी हुकाम ने यह दावा भी किया है कि यूक्रेन के फिजाई दिफाई सिस्टम ने तमाम रूसी क्रूज मिसाइल मार गिराए हैं। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक रूसी क्रूज मिसाइलों के हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रूसी मिसाइल हमले पर यूक्रेन के कई इलाकों में एयर रेड के सायरन बज उठे। वाज़े रहे कि रवामा यूक्रेन पर रूस का ये 5वां हमला है। यूरोपियन कमीशन की सदर अर्सुला वॉन डर लेयन यूरोप डे मनाने के लिए जंगजदा यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव पहुंच गईं। इस हवाले से अपने सोशल मीडिया अकाउंट ट्विटर पर जारी करदा पैगाम में उन्होंने कहा कि कीव में वापस आना अच्छा है, जहां हम जिन इकदार को अजीज रखते हैं उनका हर रोज दिफा किया जाता है।
लिहाजा ये यूरोप का दिन मनाने के लिए एक मुनासिब जगह है। कीव पहुंचने पर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने उनका इस्तकबाल किया। यूरोपियन कमीशन की सदर पोलैंड के रास्ते ट्रेन के तवील सफर के जरिए कीव पहुंची हैं। उन्होंने मजीद कहा कि मैं सदर ज़ेलेंस्की के यूक्रेन में भी 9 मई को यौम यूरोप मनाने के फैसले का खैर मकदम करती हूँ। अमरीका की जानिब से शाम की अरब लीग में दोबारा शमूलियत पर तनकीद करते हुए मुखालफत कर दी है। अमरीका का कहना है कि हम शाम में बशारुल असद हुकूमत के साथ अपने ताल्लुकात कभी मामूल पर नहीं लाएंगे। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीका की जानिब से शाम की अरब लीग में दोबारा शमूलियत पर तनकीद करते हुए मुखालफत कर दी है। व्हाइट हाउस ने कहा कि अमरीका शाम के सदर बशारुल असद के साथ ताल्लुकात को मामूल पर नहीं लाएगा और शाम के खिलाफ उसकी पाबंदियाँ नाफिस रहेंगी। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जमान का कहना है कि खाना जंगी और वहशियाना तशद्दुद के बाद शामी सदर बशार अल असद ताल्लुकात को मामूल पर लाना चाह रहे हैं, जो कि इसके हकदार नहीं। हम शाम में बशार अल असद हुकूमत के साथ अपने ताल्लुकात कभी मामूल पर नहीं लाएंगे। स्टेट डिपार्टमेंट की तर्जमान का कहना था कि शाम के अरब लीग में अपनी निश्चित पर वापस आने के फैसले पर तनकीद की और कहा कि दमश इस इकदाम का मुस्तहिक नहीं है। उन्होंने शाम में बहरान के हल के लिए सदर बशार अल असद की ख्वाहिश पर सवाल उठाया है। स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जुमान ने कहा कि ताहम अमरीका का ख्याल है कि अरब शराकत दार शाम में तवील बहरान के हल के लिए दबाव डालने के लिए बशार अल असद के साथ बराह रास्त राबते का इस्तेमाल करना चाहते हैं। वाशिंगटन इस करारदाद के हतमी अहदाफ पर अपने इत्तेहादियों के साथ मुत्तफिक है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक शाम के साथ ताल्लुकात इस्तवार करने पर अमरीका अपने इत्तेहादियों की भी हिमायत नहीं करता और अमरीका अरब शराकत दारों के साथ शाम में इस्तेहकाम और शिद्दत पसंदी रोकने के लिए हिमायत जारी रखेगा। ख्याल रहे इतवार 7 मई को काहिरा में अरब लीग की कौंसिल के वज़राए खारजा की सतह पर मुनक़िदा एक गैर मामूली इजलास में शाम को 12 साल की गैर हाजिरी के बाद दोबारा अरबों की आगोश में वापस लेने का ऐलान किया गया था। वाज़ेह रहे कि 10 साल तक मुअत्तल रहने के बाद अरब लीग में शाम की रुकनियत बहाल करने की मंजूरी दे दी गई है। 2011 में अरब लीग ने शाम की अरब लीग रुकनियत मुअत्तल कर दी गई थी, जिसकी बहाली के लिए सऊदी अरब में होने वाली अरब लीग के इजलास में शाम की रुकनियत बहाल करने पर इत्तेफाक किया गया था। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी। News are precise and effective.